तो डियर स्टूडेंट, ये है इसी वर्ष 2024 का बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। जिन जिन भी यूनिवर्सिटी में बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री की परीक्षा होने वाली है, यानी कि इतिहास की, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। और एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनकी परीक्षा मॉडर्न हिस्ट्री होने वाली है, ठीक है। प्राचीन इतिहास का ये मॉडल पेपर नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री का नहीं, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, प्राचीन इतिहास का नहीं है ये, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न इतिहास का है। और प्रश्न पत्र का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये मैच कर लीजिएगा तभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अदरवाइज बाद में बोलें कि हम समझ नहीं पाए, तो ये बात समझ लीजिए पहले ही, ठीक है। तो जब भी पेपर देने जाएंगे तो आपको ऐसे ही 2-3 घंटे का समय मिलेगा और 75 नंबर का पूर्णांक होगा। सबसे पहले अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आएंगे, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार 2021-22-23 से लगातार पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में बताएंगे। प्लस कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो इस बार परीक्षा में आने वाले हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो जिस भी प्रश्न का उत्तर देंगे, उससे पहले यहाँ पर आपको दिशा निर्देश कुछ दी जाएंगी, इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर यही लिखा होता है कि कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, कितने शब्दों में लिखना है आंसर, और प्लस कितने नंबर मिलेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तो आज की इस वीडियो का तेलुगुत्रे का जो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारतीय शासन अधिनियम के बारे में बताइए। तो भारतीय शासन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, कई बार आ चुका परीक्षा में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये 99% उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में फंसेगा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आपको आज की इस वीडियो में आपको क्वेश्चन सिलेक्ट कराएंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे और बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में बताएंगे, उत्तर कहां पर मिलेगा, कैसे आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को पहले देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो भैया बहुत सारे रहते हैं, 200, 400, 500, लेकिन आएंगे कौन, वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में बताइए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपकी परीक्षा में फंस सकता है, 90% उम्मीद इस प्रश्न के भी है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि भारतीय रियासत विभाग, ये क्वेश्चन इग्नोर कर दीजिएगा, इस क्वेश्चन आने की कम उम्मीद है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं ना मात्र के लिए बहुत ही कम बार आया है क्वेश्चन, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन प्रणाली, ये भी क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा तैयार कर लेना, क्योंकि ये 1-2 बार परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। तो इसको टिक कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी जानकारी हम आपको भी दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन जान लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले। अगला क्वेश्चन है कि शोक दिवस के बारे में बताइए, शोक दिवस भी बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, तो आप इसको भी इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला, हम चाहते वही हैं कि आपको वही सारे हम क्वेश्चन बताएं जो आपके एग्ज़ाम में आने की उम्मीद हो, ताकि आप वही प्रश्न का उत्तर तैयार करें, ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। हमारा मकसद यही है, ये नहीं कि पता चले आप 100-200 क्वेश्चन का आंसर तैयार करके जाएं, पता चले उसमें से 1-2 क्वेश्चन आएँ, ठीक है। तो हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है, हमारा मकसद वही है कि जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है उन्हीं के बारे में आपको जानकारी देना, और प्लस उनको ही आपको तैयार करने के लिए बोलना। अगला है कि सीधी कार्यवाही दिवस, ये भी क्वेश्चन बहुत कम आता, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वारदौली सत्याग्रह के बारे में बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही कम आता, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा तैयार कर लेना, 70% इम्पॉर्टेंट है, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आपको 70% इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा आपको ध्यान जरूर देना इस पर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री की कोई परीक्षा छूटी नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, 100% फंसेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना, नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब अगला प्रश्न है कि वर्धा योजना क्वेश्चन है, तो वर्धा योजना भी क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन 50% उम्मीद है ये आ सकता है, और 50% ही उम्मीद है कि नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इग्नोर भी कर सकते हैं और तैयार भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में बताइए, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए 100% इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ उम्मीद है कि आ सकता है, मतलब कि अगर आपकी परीक्षा को मान लीजिए 8 से 10 दिन है या फिर उससे ज़्यादा दिन है, तो आप लोग तैयार करें इस प्रश्न का उत्तर। मान लीजिए आपकी परीक्षा को 1-2 दिन है, 3 दिन है, तो इस प्रश्न का उत्तर इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार के प्रश्न आप अति लघुत्तर में आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे, ठीक है। इसमें फिर जो जो क्वेश्चन आ सकते थे अति लघुत्तर से, मैंने उनकी जानकारी दी, आई होप उनको जरूर तैयार करेंगे उनका उत्तर, और उनका उत्तर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पर मिलेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस हुए, इससे ज्वाइन होने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर की कोई हेडक वाली बात नहीं है, सब आपको मिल जाता है, ठीक है।
अब आ जाएंगे हम खंडवा में। खंडवा में आपको दिखेंगे कौन से क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, जिनको आप लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। तो इसमें भी आपको पूरी दिशा निर्देश दी गई है, या कितने क्वेश्चन करना है, कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, ये आपको यहाँ पर लिखा है, आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मतलब कि इसी में लघु उत्तरीय में यहाँ पर लिखा भी है कि 200 शब्दों में प्रति प्रश्न का उत्तर देना है और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो 10 नंबर का मतलब यह हो कम से कम आप 200 शब्दों में लिखेंगे तभी उत्तर पूरे मिलेंगे, मतलब कि पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए 75% उम्मीद हमेशा तो नहीं आया, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। फिलहाल इसका उत्तर मैं आपको बता दूंगा कहां पर मिलेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या था। ये भी क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो आप लोग इसको 50-50 समझ सकते हैं, तैयार भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि चंपारण किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी, ये आप सभी के लिए 100% इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्वेश्चन पक्का फंस सकता है क्योंकि ये कई बार आ चुका है, तो इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है, नोट कर लीजिए इसको जरूर से जरूर। ओके नोट करिए तुरंत के तुरंत। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, इसमें क्या सुझाव दिए गए, ये आप सभी के लिए, ठीक है। मतलब कि 80% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 80% उम्मीद है कि ये भी प्रश्न फंस सकता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा फिड़ा क्वेश्चन मैंने देखा है कि एक आध दो बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको थोड़ा इसके बारे में जरूर पढ़ लेना है इसका उत्तर, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आ गया है लॉर्ड लिट्टन के वायसरायित्व का एक मूल्यांकन प्रस्तुत करिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लिट्टन फिड़ा एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपकी परीक्षा में, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है कि 1918 ईस्वी का खेड़ा सत्याग्रह क्या था। तो आपको एक तो सत्याग्रह आंदोलन था जो कि आप सभी को मालूम किसके द्वारा चला गया था, लेकिन ये 1918 ईस्वी का खेड़ा सत्याग्रह था, इसके बारे में भी आपको थोड़ा तैयार कर लेना है। 100% तो उम्मीद नहीं है कि आएगा, लेकिन 70% उम्मीद है कि प्रश्न फंस सकता है। ओके अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय व पूना समझौता क्या था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, इस प्रश्न की आने की पूरी उम्मीद है, तो तुरंत के तुरंत नोट करिए, तुरंत नोट करिए, ठीक है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय व पूना समझौता, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, नोट कर लीजिए। अगला है कि पावना विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखी, ये क्वेश्चन इग्नोर कर दीजिएगा, आने की बहुत ही कम उम्मीद है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम यही क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन जो जो मैंने बताया ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की उम्मीद पूरी है, ठीक है। जो जो मैंने आपको 100% बताया है उनका उत्तर आपको जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद आ जाएंगे हम दीर्घ उत्तरीय की ओर। दीर्घ उत्तरीय में आपको, जिनको आप लोग विस्तृत उत्तरीय बोलते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर भी लिखा भैया कितने क्वेश्चन करना है, जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपको भी पेपर मिलेगा ना, तो उसमें लिखा रहेगा भैया कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में आंसर रखना है, कितने नंबर मिलेंगे, तो आपको उसी हिसाब से प्रश्न का उत्तर देना है और उस हिसाब से आपको नंबर भी मिलेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय का जो पहला प्रश्न है वो है कि 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के कारण और नतीजों का विश्लेषण करिए, ये आप सभी के लिए 100% इंपॉर्टेंट साबित होगा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि फंसेगा, नोट कर लीजिए, 100% वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 1905 में बंगाल के विभाजन के जो कारण थे, किस वजह से विभाजन हुआ और उसका रिजल्ट परिणाम क्या निकला, उसके बारे में आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के प्रांतीय स्वायत्त, ठीक है, स्वायत्त की स्थापना की व्याख्या कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए 90% इंपॉर्टेंट हो सकता है, 100% तो उम्मीद नहीं है, लेकिन 90% उम्मीद है कि प्रश्न फंस सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो आप लोगों की समझ प्रस्तुत होने जा रहा है, ये 100% वाला है कि भारत में सांप्रदायिकता के उदय के क्या कारण थे, इसमें अंग्रेजों की क्या भूमिका थी। तो सांप्रदायिकता से जुड़ा क्वेश्चन पक्का फंसेगा और ये आप सभी के लिए 100% वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए, 100% उम्मीद है प्रश्न फंसेगा, नोट कर लीजिए कि अभी कभी बाद में मत बोलने की सर बताया नहीं, ठीक है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है 2021-22-23 में, तो इस बार भी उम्मीद है 2024 में पूछा ही गया मॉडल पेपर में, जो आपकी परीक्षा लगी उसमें भी हो सकता है प्रश्न आ जाए, ठीक है। तो नोट कर लें और इसका उत्तर तैयार करें जरूर।
अगला कि अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में रेल एवं आवागमन के विकास के लिए क्या प्रयास किए, तो ये आप सभी के लिए 70% इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर उम्मीद है कि आ सकता, बाकी कुछ उम्मीद है कि नहीं भी आ सकता। तो आप इस प्रश्न का उत्तर तैयार भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त होते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो जो मैंने आपको बताया, इनका उत्तर जरूर तैयार कर लेना है, आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। बाकी आपके पास क्वेश्चन बैंक सीरीज है तो उसमें से भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इन सभी जितने भी प्रश्न इस मॉडल पेपर में, इनका उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी जानकारी मैं आपको दे दे रहे हैं। सिंपल सी जो भी प्रश्न का आपको तैयार कर लेना है, जैसे कि ये भारतीय शासन अधिनियम के बारे में आपको लिखना है, तो सिंपल सा, सबके मोबाइल में इंटरनेट है, गूगल सबके मोबाइल में, क्रोम गूगल सबके मोबाइल में, तो गूगल पे जाना है। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद वहाँ पर आपको टाइप कर देना है भारतीय शासन अधिनियम, या फिर बोल भी सकते हैं क्योंकि आजकल वॉइस चल रहा है, लोग बोल कर हर चीज़ मंगा लेते हैं, तो आप लिख देंगे भारतीय शासन अधिनियम के बारे में बताइए। जैसे आप लिखेंगे इतना आप लोगों के समस्त बहुत ही एकदम आसान तरीके से, और थोड़ा हार्ड अलग अलग परिभाषाएँ और अलग अलग इसके अर्थ देखने को मिलेंगे इसके बारे में। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम के बारे में, तो आपको जो अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे उसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपके पास जब भी कभी समय मिले तो आप लोग गैलरी से ओपन करके उस स्क्रीनशॉट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी होगा, उत्तर भी होगा। इसी तरह सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इंटरनेट पर सर्च कर लेना, बेशक एकदम आसान प्रोसेस है, तो इस तरह आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बाकी हमारे पास जो मटेरियल होगा वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग वो PDF डाउनलोड करके तैयारी कर लीजिएगा, होगा तो हम ज़रूर डाल देंगे। ठीक है, बाकी आपका अपना ही चैनल सक्सेस हुई है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय रहते सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ये आपका अपना ही चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको मिलती रहे वीडियो। ठीक है, बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, जय हिंद।